एक जिसमें लोग एक्सरसाइज 6.3 तक जितना भी एग्जांपल और थ्योरम है वो सब देख चुके हैं इसके पहले वीडियोस में। आज हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 क्या बोल रहा है। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे न्यू अपडेट्स जो भी हो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई। क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो क्या है? पैरेलल है एसी के। एसी के क्या है? पैरेलल है। एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। और बोल रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये ट्रायंगल एबीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू टू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएक्सवाई। क्यों होगा? क्योंकि बीएक्सवाई ट्रायंगल क्या है? छोटा है ट्रायंगल एबीसी से। तो बीएक्सवाई का क्या होगा? डबल होगा ट्रायंगल एबीसी। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू टू ऑफ ट्रायंगल बीएक्सवाई। तो हम लोग को किसका रेशियो फाइंड करना है? एएक्स बाय एबी का रेशियो फाइंड करना है। ये छोटा वाला एएक्स बाय एबी का रेशियो हम लोग को क्या होगा ये फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका गिवन। गिवन क्या है? तो एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट है। और क्या दिया हुआ है? एक्स वाई पैरेलल है किसके? एसी के। एंड और एक चीज क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू टू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएक्सवाई। ये हम लोग को गिवन है। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? टू फाइंड। तो क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एक्स बाय एबी। ये हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन को अब क्वेश्चन को मेरे। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ नहीं, फाइंड लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसमें फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे फाइंड लिखेंगे, फाइंड यहाँ पे टू फाइंड करना था, तो यहाँ पे फाइंड लिखेंगे, प्रूफ नहीं लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है एसी के। एक्स वाई पैरेलल है एसी के, ये गिवन है। अगर एक्स वाई पैरेलल है एसी के तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? बीएक्सवाई के डायरेक्टली सिमिलर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं? सिमिलर करके देख लेते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई एसी के पैरेलल है तो लोग इसका रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग पहले ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एक्स बी क्या है? एक्स बी वाई। इन दोनों को सिमिलर करते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी एक्स वाई इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये एंगल इक्वल होगा,
क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. क्यों? क्योंकि एक्स वाई क्या है? पैरेलल है एसी के. लिख सकते हैं एंगल बी एक्स वाई इक्वल टू एंगल बी ए सी. क्यों? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसके बाद सेम उसी तरह से हम लिख सकते हैं एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल बी सी ए. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है. तो लिख सकते हैं एंगल बी वाई एक्स इक्वल टू एंगल बी सी ए. रीजन क्या होगा? सेम. तो एंगल एंगल क्राइटेरियन से तो हम लोग का दोनों ट्रायंगल हो गया एक दूसरे के सिमिलर. गिवन को रेस करते हैं और टू पॉइंट को भी रेस कर देते हैं. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्सबीवाई. किस क्राइटेरियन से? तो ए क्राइटेरियन से क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया. अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया, जिसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गए? जिससे कि इक्वल होगा. तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय एक्स बी, पहला दूसरा, इसका ये पहला दूसरा, इक्वल टू दूसरा तीसरा, इसका भी दूसरा तीसरा लेंगे. बी सी बाय बी वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए सी, पहला तीसरा, इसका भी पहला तीसरा, ए सी वाई एक्स वाई. कैसे? तो सी पी एक्स टी. ठीक है, अब इसको यहां तक हम इरेज करें. आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा. तो इरेज करते हैं. इसको रहने देंगे, इसका एक काम पड़ेगा भी. तो देखिए, अब हम लोग अगर निकालें एरिया, एरिया किसका? तो एबी बाय एबी सी ट्रायंगल और एक्स बी वाई ट्रायंगल का एरिया निकालें. एरिया नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? एबी बाय एक्स बी का स्क्वायर. क्यों? एरियाज ऑफ सिमिलैरिटी से याद कीजिए, हम लोग एरियाज ऑफ सिमिलैरिटीज के पहले थ्योरम 6.6 में बताए हैं. तो उसी से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय एक्स बी का होल स्क्वायर. ये कहां से लिखे? तो थ्योरम 6.6 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आप लोग यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हैं, या फिर टीएस का मतलब होता है थ्योरम. आप लोग पूरा लिखिएगा थ्योरम 6.6 भी तो चलेगा, या फिर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी लिख दीजिएगा तो चलेगा. और हम लोग को गिवन क्या था याद कीजिए, हम लोग को गिवन था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्वाइस है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई के. क्यों ट्वाइस है? तो हमने बताया आपको कि ये ट्रायंगल क्या है, एक्स बी वाई क्या है, छोटा है ट्रायंगल एबी सी से. तो क्या होगा? एक्स बी वाई क्या होगा? एबीसी का दुगना होगा. एबीसी क्या होगा? एच बाई वाई का दुगना होगा. तो हम लिखेंगे टू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई. तो अब हम लोग इससे इसको मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर. ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग निकाल सकते हैं, इसको एस करके. अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू 2/1 का रेशियो. कैसे आया 2/1 का रेशियो? तो इसको हम लोग इधर ले आए, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई है उसको इधर ले आए, तो यहाँ पे क्या बचा? 2/1 बचा ना. तो इसलिए हम लोग क्या किए? 2/1 लिखे. अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं क्या?
राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करते हैं, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं। राइट हैंड साइड तो इक्वल है ही पहले से, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय एक्स बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। ए बी बाय एक्स बी से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हम लोग का क्या बचेगा लास्ट में, ए बी बाय एक्स बी इज इक्वल टू रूट 2/1। यही काम था फर्स्ट और सेकंड का, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। अब जो हम लोग का वैल्यू आया ना, उसमें से हम लोग वन वन से पहले तो इसको उल्टा करके, मतलब इसको उल्टा करके वन से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आया हम लोग का पहले वो देखिए, ए बी बाय एक्स बी कितना आया हम लोग रूट 2/1 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग ट्रैक्टिंग सॉरी सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड by reciprocating reciprocating the above equation। above जो equation है उसको reciprocal करके दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, one से subtract करेंगे। तो reciprocal करते हैं पहले, रेसिप्रोकल करने पे हम लोग का क्या आएगा, एक्स बी बाय ए बी इक्वल टू 1/√2। अब दोनों तरफ क्या करना है, वन से वन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 1 एक्स बी बाय ए बी इक्वल टू 1 1/√2। अभी इधर यूज करते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वन वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो नीचे हम लोग का क्या आएगा नीचे हम लोग का आएगा ए बी, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे हम लोग का आएगा 2/2। अब यहाँ पे ए बी आया तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स बी, ए बी माइनस एक्स बी, और यहाँ क्या आ जाएगा 2/√1। तो ए बी माइनस एक्स बी, अब देखिए तुम लोग क्या आ जाएगा, यहां से ए बी माइनस एक्स बी करेंगे, ये पूरा क्या है ए बी है, उसमें से एक्स बी को माइनस कर देते हैं, इस पूरे ए बी में से इस एक्स बी को हटा दे अगर हम लोग, तो क्या बचेगा हम लोग का, ए एक्स बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू 2/√2। अब नीचे जो 2/√2 आया है हम लोग का डिनोमिनेटर में, उससे क्या करेंगे, 2/√2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग जानते हैं जो डिनोमिनेटर में आता है उससे ऊपर नीचे दोनों से इंटू करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे। तो उससे आगे का इधर करते हैं, यूज करना पड़ेगा, क्या आया है ए एक्स बाय ए बी इक्वल टू कितना आया है 2 -1/√2। और इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग जानते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको 2 √2 क्या हो जाएगा, 2 -√2 × 1√2, और फिर 2 × √2 कितना हो जाएगा 2। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ए एक्स बाय ए बी का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 2 -√2/2 आंसर। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया भी एक बार में, तो आप लोग इसको दोबारा देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ. और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं. मिलते हैं नेक्स्ट पूरा वीडियो देख लिया, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें. और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें.